मनुष्य के समान जीवन में केंद्रीय तत्व क्या है? ईश्वर, आत्मा, सच, मनुष्य के मूल में क्या है? फिलहाल इंसानों को छोड़ दें, अगर हम पशु या वनस्पति जगत को भी देखें तो हर चीज के मूल में हम क्या पाएंगे? एक पौधा मूलतः क्या कर रहा है? उसकी सारी ऊर्जा नए बीज पैदा करने में लगती है। इसका संपूर्ण अस्तित्व नए बीजों के निर्माण में लगा हुआ है। एक पक्षी क्या कर रहा है? एक जानवर क्या कर रहा है? अगर हम प्रकृति को करीब से देखें तो पाएंगे कि वह केवल एक ही संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है। यह निरंतर सृजन, प्रजनन, नए और नए रूपों में जीवन के निरंतर पुनरुत्थान में से एक है। फूल बीज का पोषण कर रहे हैं, फल बीज का पोषण कर रहे हैं। बीज क्या करेगा? बीज एक नए पौधे, एक नए फूल, एक नए फल के रूप में विकसित होगा। इस तरह इंसानों में भी यही स्थिति है। मनुष्य में निरंतर प्रजनन के इस प्रयास को हमने सेक्स का नाम दिया है। इस लेबलिंग ने मनुष्यों में इसके प्रति एक प्रकार की निंदनीय भावना उत्पन्न कर दी है। फिर भी मनुष्य में भी जीवन उत्पन्न करने का निरंतर प्रयास चलता रहता है। इसे हमने सेक्स एनर्जी कहा है, लेकिन यह सेक्स ऊर्जा क्या है? बहुत समय पहले इस धरती पर केवल चट्टाने, पहाड़, नदियां और महासागर थे। ये किसकी लालसा कर रहे थे? वे बेहतर जीवन पौधे पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे पौधे अस्तित्व में आए, जीवन ऊर्जा एक नए रूप में प्रकट हुई थी। लेकिन पौधे भी अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। उनका आंतरिक आग्रह और प्रयास भी किसी उच्चतर चीज के लिए था। फिर पशु पक्षी अस्तित्व में आए। युगों युगों तक पृथ्वी उनसे भरी रही, लेकिन मानव अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी मनुष्य सदैव वहां थे, जानवरों और पक्षियों में निहित। जन्म लेने का प्रयास करना, कालांतर में वे अस्तित्व में आए। अब मनुष्य लगातार नया जीवन बनाने के लिए उत्सुक है। हमने इस प्रवृत्ति को यौन जुनून या वासना का नाम दिया है। हालांकि मूलतः इस वासना का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि इंसान सिर्फ अपने ऊपर ही खत्म नहीं होना चाहता, वे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। क्यों? यह उसी अंतर्निहित शक्ति के कारण है जो बेहतर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए अन्य जीवन रूपों में मौजूद थी। निश्चित रूप से मनुष्य की आत्मा एक बेहतर इंसान, एक श्रेष्ठ प्राणी के लिए प्रयासरत है। हालांकि एक बेहतर इंसान का जन्म कैसे होगा? सेक्स का सम्मान करने के बजाय धर्मों ने इसे नाम दिया है। सच तो यह है कि मानव जीवन में इस आग्रह से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हालांकि इसे छुपाया और दबाया गया है। लोगों ने इस शक्तिशाली जीवन ऊर्जा को समझने की कोशिश किए बिना उससे मुंह मोड़ लिया है। इसने उन्हें सेक्स के प्रति और भी बुरी तरह से जुनूनी बना दिया है, जिससे वे बलात्कार और विकृतियों जैसे